डॉक्टर साहब अगर कुछ कहना आप चाह रहे हैं तो आपका माइक अनम्यूट करिए, आपका माइक म्यूट है जी। हेलो सर, सर सर मैं बीच में आपको 2 मिनट के लिए रोकने के लिए माफी चाहता हूँ। जी जी बताएं सर। हमारे इन बच्चों को कुछ सूचनाएं देनी है, जो हमारे इसमें डीएड एमआर के बच्चे जुड़े हुए हैं उनको अवगत कराना है कि एग्जामिनेशन बॉडी चेन्नई द्वारा परसों ही फोन आया था कि इनके जो एमआर के बच्चे हैं इनका एग्जाम 90% ऑनलाइन मोड पर लेने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। तो जो एमआर से संबंधित बच्चे जुड़े हुए हैं वह यह मान लें कि उनका एग्जाम 90% ऑनलाइन होगा और बहुत शीघ्र ही उसका अनाउंस करने जा रही है निपमेट चेन्नई। इसलिए जो बच्चे जिनको गूगल फॉर्म दिया गया था, ग्रुप पर भेजा गया है, वो शीघ्र ही ताकि बाद में हमारी जिम्मेदारी ना रहे। और दूसरी सूचना ये देनी है, HI 2018-20 बैच के बच्चे हैं जिनमें करण वर्मा हैं या और जो भी बच्चे हैं उनके लिए कल मुंबई से मेल आ गई है। DEDHI 18-20 बैच थर्ड ईयर थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों का नेक्स्ट वीक इंटरनल असेसमेंट और उनका रिकॉर्ड का मूल्यांकन करने के उपरांत नेक्स्ट ऑनलाइन लोग किए जाएंगे। करण वर्मा या जो HI के बच्चे हैं सभी को उसमें एक डेट निर्धारित की गई है, उस तिथि तक अपना सभी इंटरनल असेसमेंट रिकॉर्ड कालिक कार्यालय में जमा कर दें ताकि उनका मूल्यांकन करने के बाद आपके ऑनलाइन नंबरों को लॉक कर दिया जाए, अन्यथा उसके बाद जो भी होगा उसके लिए आप उत्तरदायी होंगे, संस्था उत्तरदायी नहीं होगी। आपको ग्रुप पर सर्कुलर डाल दिया गया है। धन्यवाद। नागेश जी आप अपना प्रारंभ करें। श्री नागेश जी नागेश जी हेलो, अब मैं आमंत्रित करता हूं श्री नागेश जी को। सर सर मैं आ चुका हूँ, आमंत्रित करने की आवश्यकता नहीं, आप हमारे श्रेष्ठ हैं सर, सर, सर। आपका आदेश ही हमारा आमंत्रण है। तो हम लोग विषय पे आते हैं। सर ने बताया जो सूचनाएं परीक्षा से संबंधित आप लोगों को देनी थी सर को, उस पे अब दो तरीके से मैं इस विषय पर चिंतन आपके सामने रखूंगा और आप लोगों से जितने भी मेरे 20-25-30 बच्चे जितने भी जुड़े हुए हैं या मेरे भाई बहन बिटिया जो भी समझे आप जो जुड़े हुए हैं, आप उस परिस्थिति में खड़े हैं कि अब अध्यापक बनने और अध्यापकी प्रमाणन के बीच में सिर्फ एक परीक्षा की एक कदम शेष है, उसके बाद आप आधिकारिक रूप से अध्यापक घोषित हो जाएंगे। अब वो अलग बात है, नौकरी कहाँ करना, ये यहाँ करना वहां करना, सरकारी में करना प्राइवेट में करना, वो एक अलग विषय है, लेकिन अध्यापक आप हो जाएंगे। तो अध्यापक बनने के पश्चात एक सहज भाव में जो MR के बच्चे पढ़ रहे हैं या HI के बच्चे पढ़ रहे हैं या VI के बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका अपना एक अपनी थिंकिंग होगी। वो थिंकिंग क्या होगी कि किसी भी विषय पर उनकी एक अपनी स्वतंत्र राय हो। अगर आपकी हमारी या किसी और की किसी विषय पर अपनी स्वतंत्र राय नहीं होगी तो वह करेगा क्या, किसी भी बिंदु पर बोलने के लिए बार बार पुस्तकों के पेज पलटेगा और रटा रटाया ज्ञान समाज में लाके उपस्थित करेगा, अर्थात विद्यार्थियों के मध्य रखेगा। जैसा मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं हो रहा, आपने ऐसे कई टीचरों को देखा होगा, सामने नोट्स रख देंगे, सामने बुक रख देंगे या एक हाथ में इस तरीके से बुक पकड़ लेंगे,
एग्जाम्पल के लिए इस तरीके से एक बुक पकड़ लेंगे और इसको देखते रहेंगे, आपसे बोलते रहेंगे, इसे देखते रहेंगे, आपसे बोलते रहेंगे। मैं ये नहीं कहता कि नोट्स लेके पढ़ाना बुरा है, मैं नहीं कहता कि पुस्तकों को लेके पढ़ाना बुरा है, मैं ये नहीं कहता, इसका खंडन मैं नहीं करता। लेकिन ये अवश्य कहता हूं कि जब भी विद्यार्थियों और अध्यापकों के बीच इंट्रैक्शन हो, संवाद हो, तो वहां स्वतंत्र राय रखी जानी चाहिए। और जो स्वतंत्र राय होगी वही आपके भी स्वतंत्र राय बनाने की प्रक्रिया को उत्कृष्ट करेगी और वही हमारे राय बनाने की प्रक्रिया को और धार देगी। तो जब भी आगे की क्लासों में जब भी आपसे फीडबैक मांगू मैं किन्हीं भी क्लास में, किसी दूसरे की क्लास हो रही हो, अपनी क्लास हो रही हो, या जो भी, या कोई आपसे जब फीडबैक मांगने, तो आप स्वतंत्र भाव से अपना फीडबैक, अपनी राय रखें। वह गलत है, वह सही है या क्या है, इसका निर्धारण परिस्थितियां करेंगी, आप नहीं। आप तो उसको रखिए, प्रत्येक भाव का, प्रत्येक विचार का और प्रत्येक जो कोट किया जा रहा शब्द है उसका अपना एक निजी अर्थ होता है। आप जो बताते हैं वह हमारी फील्ड के लिए हो सकता है कि एक नया चिंतन हो, हम उसको गलत कैसे कहेंगे और गलत कैसे कह सकते हैं। मैं उसके दो आधार आपको देता हूं। 1995 एक्ट भारत सरकार और विश्व में दिव्यांगता के लिए उत्कृष्ट एक्ट माना गया, UNCRPD के बाद सबसे अच्छा एक्ट माना गया। 2016 में उसको समाप्त करने की नौबत क्या आई, समाप्त तो उसे किया जाता है ना जो गलत हो, मीन्स नए विचार आ गए, मीन्स एक नया सोच, एक नई सोच की प्रक्रिया है आ गई, नई थॉट प्रोसेस आई, जिसने 7 दिव्यांगता को 21 दिव्यांगता में और मिलने वाली सुविधाओं को थोड़ा सा कंप्रेस करके आगे की तरफ बढ़ा दिया। इसमें से जितने विद्यार्थी हमारे जुड़े हैं, मैं अमित कुमार जी से पूछना चाहूंगा, अमित कुमार जी 2011 के सेंसेक्स में भारत में दिव्यांगों की क्या संख्या थी? ये बहुत सरल प्रश्न है, छोटा छोटा बच्चा बता देता है, या किसी और को पता हो तो वही बता दे। 2011 में जो जनगणना हुई उसमें दिव्यांगों की क्या संख्या थी, प्रमाणिक संख्या, अनुषा बिटिया तुम ही बताओ, बताइए। अरे भाई कोई तो बोलो, कुछ भी बताओ, बताओ तो सही। दो हजार ग्यारह की जनगणना में दिव्यांग जनों की, विकलांग जनों की क्या संख्या थी, कुछ तो बताओ भाई। सभी छात्र छात्राएं हमारी बेइज्जती ना कराएं, कम से कम इज्जत बेइज्जत की बात नहीं है, मैं अपने भाइयों से, अपने बहनों से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, बताए बताए। पांडे सर 2,68,00,000 लमसम सर। गुड गुड, बहुत बढ़िया। रमेश सोनी जी ने बहुत सुंदर बात बताई कि 2011 की जनगणना में सरकारी आंकड़े के अनुसार 2.68 करोड़। एक सुनील भाई साहब है 68 करोड़ लिखे हैं, तो सुनील जाट जी उसके पहले 2 पॉइंट लगा दीजिए, 68 करोड़ कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उस समय 68 करोड़ भारत की कुल आबादी थी, सॉरी 100 करोड़, तो वहां दिक्कतें आएंगी कुछ। 2.68 मतलब लगभग 3% भारत की आबादी दिव्यांग थी, जबकि आपको भी पता है, हमको भी पता है, या आपको पढ़ाया गया होगा, सभी विकसित राष्ट्रों में, समस्त विकसित राष्ट्रों में, जिनमें हम 4-6 राष्ट्रों का नाम आपके सामने ले लें, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, चीन, और उसके बाद में जापान, या और जो शिक्षित सुशिक्षित और विकसित राष्ट्रों में, अगर हम भव्यतम राष्ट्रों में जिनका नाम लें, वहां दिव्यांगता का जो प्रतिशत है वह 10 से 15 है, 10% से 15% वहां की पूरी आबादी, 10% से 15%
पूरी आबादी में दिव्यांगजनों की संख्या है। भारत उनमें से शोषित, वंचित और गरीब देशों की श्रेणी में आने के बावजूद भी क्या आप मान सकते हैं यहां सिर्फ 2.68% दिव्यांगों की संख्या थी? यह आंकड़ा पूरी तरीके से फर्जी था। मैं रिकॉर्डिंग में बोल रहा हूं। कैसे यह कैसे जनगणना की कैसे गई थी? गांव 100 गांव का घर है, 50 गांव का घर है, प्रधान जी से मिल लिए, पूछ लिए आपके गांव में कितने विकलांग हैं वो प्रधान जी। प्रधान जी ने बता दिया रमउआ का एक लड़का है, शायद दुखी राम का एक लड़की है, शायद शायद कुल मिला के 4-5 को है। तो जो 4-5 हुआ और संभावनाएं जताई गई उनका अपना हो। अब आप आश्चर्य देखिए, 2.68 2011 में बताया जाता है दिव्यांगजनों की संख्या को, और 2016 में एक आंकड़ा आता है स्वायत्त संस्थानों का, वो बताती है भारत में कम से कम 5 करोड़ ऐसे दिव्यांग हैं जो या तो स्कूल जा सकते हैं या स्कूल जा रहे हैं। गजब है, 2.68 इधर 5 करोड़। सरकार ने भी उस रिपोर्ट पर अपनी एक रिपोर्ट लगाई और काउंटर रिपोर्ट में माना कि 2016 तक 4 करोड़ के ऊपर दिव्यांगों की संख्या भारत में हो गई। उसको देखकर RPWD में आपने देखा होगा कि शैक्षणिक व्यवस्थाओं में 5% रिजर्वेशन और नौकरी में 4% रिजर्वेशन रखा गया है। रखा गया है ना, सभी को पता है ना, 4% रिजर्वेशन रखा गया है। आप थोड़ा अपने को अपडेट कर रहे हैं। अब जब 2021 में सेंसेक्स आएगा और 21 प्रकार की दिव्यांगता, 7 प्रकार की नहीं 3 गुना 21 प्रकार की दिव्यांगता का चिन्हांकन होगा, तो भारत में दिव्यांगजनों की संख्या फ्लैक्चुएट करके तकरीबन 12 से 15 करोड़ जाएगी। और 12 से 15 करोड़ में आपको जान के आश्चर्य होगा, 60% दिव्यांग सिर्फ मेंटल रिलेटेड होंगे, सिर्फ मेंटल रिलेटेड, मस्तिष्क से संबंधित अक्षमता, लर्निंग से संबंधित अक्षमता, न समझ आने की समक्षमता, डिप्रेशन के बाद कुछ समझ न आने की परिस्थिति, ये वो आंगा झांगा मांगा मिला के सब इसी सुपर कंप्यूटर पे आधारित दिव्यांगता हो। 60% ऐसे लोग पाए जाएंगे 2021 की जनगणना के पश्चात, जो इस भाव में होंगे कि उन्हें मानसिक अक्षमता बहुत पीड़ित करती है। तो क्या एक विशेष शिक्षक होने के कारण हमारा आपका यह नैतिक दायित्व तो नहीं है कि आने वाली समस्या को देखकर हम उसकी तैयारी करें? जब ऐसी परिस्थिति आ गई है, छोटे छोटे बच्चे भूलने लग गए हैं, ये शब्द है भूलना, जबकि आपने देखा होगा महिलाओं में याद करने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है, ये सहज भाव है, हर गांव में, हर घर में, हर हर बिरादरी में, हर राज्य में यह बात प्रचारित है कि महिलाएं स्मृति के मामले में अधिक तीव्र होती है, उन्हें याद रहता है कि फलानी का ये था या फलानी को इस बार हुआ था, हमारी जेठानी का ये, हमारी देवरानी का ये, अरे फला फला पता नहीं क्या क्या। लेकिन आज अलग स्थिति है, 16 साल का बच्चा स्मृति कमजोर, 20 साल का युवा स्मृति कमजोर, 35 साल का युवा स्मृति कमजोर, 40 साल का युवा भ्रमित, डिप्रेस, लर्निंग डिसेबल, अरे पता नहीं समस्या ऐसी आ गई उसको समझ ही नहीं आ रहा है, क्या करे क्या ना करे, ये हो क्यों रहा है? हम इसकी तैयारी नहीं करते। बहुत तीव्र गति से चलने वाला समाज, अगर उस गति से दौड़ न करने वाले यात्रियों को साथ में लेगा तो कुछ यात्री तो ऐसे ही पीछे होने लगेंगे, जिसकी आज स्थिति है। आप सोचिए, इतने आनंददायक, इतने भव्य और विविधता से भरे हुए देश में मेंटल हेल्थ जैसी भी कोई बीमारी आ सकती है क्या? आज भारत सरकार पूरा श्रम लगा दी है, डॉक्टर साहब इसके उदाहरण है, आप उनसे पूछिएगा वो बताएंगे आपको, दिनों रात सेवाएं प्रदान की जा रही हैं कि लोगों का मेंटल हेल्थ कैसे सुधारा जाए,
लाखों लाख करोड़ कई करोड़ लोग मेंटली डिप्रेस्ड हो रहे हैं, मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है कि उनको क्या करना, उन्हें भय सता रहा है। किस बात का? आगे क्या हो, अभी क्या हो रहा है, छोड़ो, परम आनंद में है, लेकिन नहीं 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 इससे इससे उन्हें सुख का मतलब नहीं है, आगे क्या होगा। अब ऐसी परिस्थिति में दुविधा उत्पन्न होती है, दुविधा उत्पन्न होने के बाद हम क्या करें क्या ना करें, ये होगा वो होगा, भय उत्पन्न होगा, भय उत्पन्न होने के बाद डिप्रेस होंगे, और डिप्रेस होने के बाद मेंटल हेल्थ से पीड़ित हो जाएंगे। फिर वो फोन करेंगे कि हमें मन कर रहा है कि हम फांसी लगा ले, हमें मन कर रहा है हम छत से कूद जाएं, हम जिंदगी से ऊब गए, क्यों भ्रमित, समझ ही नहीं आ रहा है करना क्या है। अब इससे बचाव क्या है, बाल्यपन से ही तैयारी की जाए, शैक्षणिक दृष्टिकोण को मजबूत किया जाए, और इसके लिए अध्यापकों को तटस्थ होना होगा, अध्यापकों को साधना होगा एक आने वाली चुनौती को उससे लड़ने के लिए, और प्रभावपूर्ण चिंतन करना होगा। ऐसे ही चिंतन को धार देने के लिए आज का यह बिंदु आपके समक्ष उपस्थित है। इस बिंदु से आप लोगों को यमार से संबंधित या मेंटली जो भी समस्याएं छात्रों को आ रही हैं या जिनको भी आ रही हैं, उन समस्याओं के निराकरण के लिए क्या क्या किया जाए, प्रारंभिक अवस्था में क्या क्या सुधार किए जाए, क्या नए पायदान अपनाए जाए, शिक्षण प्रक्रियाओं को, शिक्षण प्रशिक्षण क्रियाओं को और बृहत्तम स्तर कैसे दिया जाए, इन सब बातों की चर्चा एक अध्यापक के पक्ष की सबसे उन्नत चर्चा होती है। आप सभी को इस बात से गुरेज नहीं होगा कि अध्यापक एक कुशल समाज निर्माता होता है, होता है कि नहीं होता, कोई बताए, फीडबैक दो। एक अध्यापक एक कुशल समाज निर्माता होता है, आप लोग ही कहते हैं ना, होता है सर, होता है, बिल्कुल सर, बिल्कुल होता है। हाँ, रवि जी भी आ गए, बहुत अच्छा। अब एक कुशल समाज निर्माता ही अगर ससंकित हो, अव्यवस्थित हो जाए, यूं कहूं तो वह खुद ही इस बात से पीड़ित हो जाए कि हम क्या करें, उसकी ही दिशा और दशा तय न हो, तो क्या वह सशक्तिकृत छात्रों का सृजन कर सकेगा क्या? कदापि नहीं करेगा, कहीं न कहीं एक भाव बिगड़ने लगे। अब इस भाव को सुदृढ़ीकरण कैसे दिया जाए, व्यवस्थितीकरण कैसे किया जाए, इसको देखा जाए। शुरुआत से ही मैं बिंदु पर आकर के अब उसकी चर्चा करता हूं। बिंदु आपको मिला है, विषय बिंदु जिस पे आज की हमारी चर्चा है, जिसको मैंने फंडामेंटल सेट करके अब तैयार किया, और अब हम उस पे पढ़ने की तरफ आगे बढ़ेंगे। वह है मानसिक मंद बच्चों में शिक्षण की संभावनाएं। यहां एक लाइन मैं आपको स्पष्ट कर दूं, अध्यापक वह महाशक्ति है जो प्रत्येक समस्या के लिए अलग अलग संभावनाएं तलाशने की एक फैक्ट्री के तौर पर देखा जाता है। उसके पास समस्याएं टिक नहीं सकती, क्योंकि सभी समस्याओं का कोई ना कोई वो संभावना निकाल ही लेता है, कोई ना कोई काट निकाल ही लेता है। वह थोड़ा समय देता है, और समय देने के पश्चात आराम से उसकी समस्या का समाधान निकल आता है, ऐसा उसके। आप जानते हैं शिक्षा की सामान्य योजना में मानसिक रूप से बिछड़े बच्चों की शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे बच्चों को शिक्षा देने के लिए पहले उनका सही मूल्यांकन करते हैं, जिसके उपरांत विशेष तरीके से, अलग तरीके से शिक्षण प्रशिक्षण उन्हें प्रदान किया जाता है। हम लोग किसी भी विषय के पहले उनका पढ़ाने से पहले जब उसमें विशेष शब्द जोड़ते हैं तो उसका महत्व दो गुना हो जाता है, मैं कहूं और बढ़ जाता है, चाहे वह शिक्षक हो, शिक्षा हो या कोई छात्र हो। अगर शिक्षक के पहले विशेष लगा दिया तो विशेष शिक्षक, छात्र के पहले लगा दिया तो विशेष छात्र, और विषय सामग्री से पहले लगा दिया या शिक्षा से पहले लगा दिया तो विशेष शिक्षा, मतलब वो थोड़ी इंपॉर्टेंट हो गई, महत्वपूर्ण हो गई।
अब जो चीज महत्वपूर्ण है तो उस पे चिंतन भी तो महत्वपूर्ण होना चाहिए, और होना चाहिए तो उस पे अधिक काम भी होना चाहिए, अधिक स्वतंत्र होकर उस पे चर्चा भी होनी चाहिए, क्यों नहीं? अगर नहीं होगी तो उसकी मांग पूरित नहीं होगी। अतः मानसिक मन बच्चों को विशेष परिस्थितियों में विशेष शैक्षणिक गतिविधियों द्वारा, विशेष पाठ्यक्रम एक विशेष शिक्षक द्वारा सिखाया जाता है, उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें मानसिक मंदता वाले विभिन्न बच्चों की समस्याएं आप जानते हैं भिन्न भिन्न होती है, सबकी समस्याएं भिन्न है, सबकी आवश्यकताएं भिन्न है, आप लोग ही कहते हैं ना, जैसे शक्ति सबकी भिन्न है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आप लोग कहते होंगे, इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं ना, व्यक्तिगत विभिन्नताएं। तो जब व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं तो सभी की आवश्यकताएं भी विभिन्न है और उनकी पूर्ति भी अलग अलग तरीके से है, अतः इन्हें व्यक्तिगत रूप से भी शिक्षा दी जाती। व्यक्तिगत रूप से शिक्षा का मतलब, कोई एक बच्चा राजीव, आप ही बताइए व्यक्तिगत रूप से शिक्षा का क्या मतलब है? बस आधी लाइन सर, सर व्यक्तिगत किसी भी व्यक्ति विशेष या किसी छात्र के ऊपर केंद्रित करके, जब व्यक्ति विशेष होता है इंडिविजुअल हम फोकस करते हैं किसी भी व्यक्ति। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ राजीव ने बिल्कुल सत्य कहा। इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान जब बनाते हैं आईईपी, आईईपी से पहले 1 से 3 साल के बच्चे के लिए आईएफएफएससी बनता है, इंडिविजुअल फैमिली सर्विस प्लान आईएफएसपी, आपने सुना होगा इंडिविजुअल फैमिली सर्विस प्लान, वो तो 1 से 3 साल के बालकों के लिए, और जब 3 साल के ऊपर चलते हैं तो वहां आईईपी बनाते हैं, इंडिविजुअल एजुकेशनल प्लान। तो उसमें क्या करते हैं, बच्चे की आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करके, बच्चे की आवश्यकताओं को देख करके उन्हें हम लोग क्या करते हैं, इंडिविजुअल एक एक बच्चे को उसकी समस्या के सापेक्ष में उसको शैक्षणिक कौशल प्रदान करते हैं, एवं एक समान समूह के बच्चों की कक्षा में एक साथ भी शिक्षण प्रदान किया जाता है। अगर 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 बच्चे एक ही जैसी मानसिक क्षमता वाले हैं, एक ही जैसी शारीरिक क्षमता वाले हैं, तो उनका एक ग्रुप भी हम बना लेते हैं और उन्हें एक जगह शिक्षा देते हैं। ऐसे बच्चों को शिक्षा देने के लिए उनकी आधारभूत आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जाती है। आधारभूत आवश्यकताएं क्या है? चलन से संबंधित, समझ से संबंधित, वक्तम से संबंधित, श्रवण से संबंधित और गामक कौशल से संबंधित। तो बहुत पूरे तरीके से ध्यान में रखा जाना चाहिए, तभी उन्हें शिक्षा अच्छे ढंग से होती है, क्योंकि ये आधारभूत प्राथमिकताएं, इनका अगर पालन नहीं होगा तो फिर कहीं ना कहीं शिक्षा दूषित होती है। बेसिक नीड्स है सर, इन पर तो वर्कआउट होना ही चाहिए। किसी भी लाइफ स्टाइल, जब डे बाई डे एक्टिविटीज से हम जब अवेयर होंगे, और उसकी किसी भी स्टूडेंट हो चाहे कैंडिडेट हो, उसकी हम बेसिक नीड्स को जब समझेंगे, उस पर करेक्टिव एक्शन लेके बताएंगे, तभी जो डेवलपमेंट होगा उसकी बौद्धिक क्षमता पे हो, चाहे मानसिक या शारीरिक किसी भी तरीके से हो, तभी पॉसिबिलिटी है। अदरवाइज को कई प्रॉब्लम्स, अगर हम उसकी जरूरत को समझेंगे ही नहीं, इग्नोर करेंगे, तो वर्कआउट नहीं हो पाएगा उस पर। बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात, राजीव आपने बिल्कुल फिट कहा, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव। थैंक यू सर। अब यहाँ लैकिंग भी मैं चर्चा में कर दूं, लैकिंग क्या हो रही है स्कूल और स्पेशल छात्र में। स्कूल के टीचर्स जो है उनके पढ़ाने की एक स्टाइल बन गई है, 10 बच्चे से कम नहीं पढ़ाते, 15 बच्चे से कम नहीं पढ़ाते, 40 बच्चे से कम की क्लास रहेगी तो उन्हें उबासी आएगी, इंटरेस्ट नहीं जमेगा, और यहाँ सिंगल को भी पढ़ाना है, 4 को भी पढ़ाना है, 2 को भी पढ़ाना है, तो इंटरेस्ट नहीं जगेगा। ये जो सैद्धांतिक पक्ष बोलता है या ये जो भाव जगता है, ये बच्चे से जुड़ने में कहीं ना कहीं एक दीवार के रूप में होता। इसका निवारण क्या है? आवश्यकता को देखें, उसकी पूर्ति करने के लिए आवश्यकता की पूर्तिकर्ता बने। वहां पर ब्रह्मा बन के पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आवश्यकताओं की पूर्ति आपको करनी है, आप पूर्तिकर्ता बने। इसलिए हम लोगों को कहा जाता है विशेष प्रशिक्षण प्रदाता, ट्रेनिंग देने वाले ट्रेनर। हम उनके अंदर मस्तिष्कीय बदलाव नहीं कर रहे हैं, उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं। अब ट्रेनिंग में जब चलते हैं तो उनकी आवश्यकताओं को देखते हुए
विभिन्न कौशल क्षेत्रों में योग्यता का विस्तार किया जाता है। मैं एक एक योग्यताओं पर एकदम धीरे से सहज उदाहरण देते हुए चर्चा करते हुए चलता। पहला, आप चाहे अगर नोट भी करना चाहें तो करें, अन्यथा ये रिकॉर्डिंग तो आपको मिलेगी ही, कोई बात। मोटर या गामक विकास के लिए आपने सुना होगा, मोटर स्किल्स का, गामक स्किल्स का प्रशिक्षण। गामक प्रशिक्षण द्वारा बच्चों की मांसपेशी क्रियाओं को बढ़ाया जाता है, मांसपेशी आधारित क्रियाओं को बढ़ाया जाता है। बच्चे मांसपेशियों का सही प्रयोग जाने, सही प्रयोग कर पाए, इसमें क्या है, सही ढंग से व्यवस्थित स्वरूप में चलना, आगे पीछे होना, गति करना, दाएं बाएं होना, सीधी पंक्ति में दौड़ना, ये नहीं इधर दौड़ा इधर दौड़ा इधर दौड़ा इधर दौड़, नहीं, सीधी पंक्ति में दौड़ना, सीधी पंक्ति में बैठना, उचित कूदने की प्रक्रिया सीखना, रस्सी कूद पे अपनी योग्यता का विस्तार करना, क्योंकि रस्सी कूद में आपने देखा होगा रस्सी आ रही है या एक ऊंचाई तक उछल रही है, उसमें आपको बैलेंसिंग बनानी है, जजमेंट का भी प्रयोग करना है। वस्तु फेंकना, इसमें क्या है, इसमें भी जजमेंट है, ग्रिपिंग है, फोर्स है, इसका भी प्रयोग करना है, कितना बल लगाऊंगा कि वहां तक जाएगा और कितना बल लगाऊंगा कि और आगे तक जाएगा, इसका भी थोड़ा सा मस्तिष्क का प्रयोग, गामक इस स्किल्स का प्रयोग और फोर्स लगाने की प्रक्रिया का प्रयोग। वस्तु फेंकना, गेंद पकड़ना, गेंद पकड़ना कोई सामान्य क्रिया नहीं है, ये देखने में आपको लगता हो, तीन क्रियाएं एक साथ होती है, आपका जजमेंट, आपकी मानसिक क्षमता कि अब गेंद आने वाली है, दूसरा सही पोस्चर में हाथ का लगना और तीसरा ग्रिप करना, पकड़ लेना। क्रिकेट में आपने 10 बार देखा होगा, इन तीनों स्किल्स में से किसी की भी कमी आती है, अंदाज न लगा पाना, मैं ठेठ में बता रहा हूं, अंदाज न लगा पाने के कारण 2-3 इंच हाथ पहले रह जाता है, आपका एज ड्रॉप हो जाता है, अंदाज न लगा पाने के कारण हाथ गेंद में नहीं जम पाते और गेंद दोनों हाथों के बीच से नीचे गिर जाती है, अंदाज न लगा पाने के कारण ऐसी स्थिति होती है, हाथ आगे चला जाता है, गेंद इन दोनों हाथों के बीच के भाव में गिर जाती है, ये जजमेंट का न लगा पाना होता है, इसको अपने अंदर प्रगाढ़ करना। गेंद पकड़ना ये हुआ, दौड़ते हुए ग्रिप करना, घूमना, अब देखिए घूमने को आप ऐसे भी कर सकते हैं, इधर उधर घूमना मैं नहीं कह रहा, टर्निंग करना, प्रॉपर पोस्चर में टर्निंग करना, यूं आपने देखा होगा एमआर बच्चे साउंड करते हुए और दौड़ते हैं, एक लंबा एरिया घूमने के लिए प्रयोग करते हैं, नहीं कैसे घूमना है प्रॉपर पोस्चर, वही जगह से कैसे टर्निंग करनी, इसका देखो, सीढ़ियां चढ़ना उतरना, उस स्किल्स को और अपने अंदर व्यवस्थित करना, ऐसी ही इत्यादि ऐसी क्रियाएं, बहुत सी ऐसी क्रियाएं हैं जिनका मोटर या गामक प्रशिक्षण के लिए अत्यधिक प्रयोग बच्चों के मध्य सिखाया जाना चाहिए, और इससे वे स्वावलंबी भी बनते हैं, स्वावलंबी के साथ साथ उनके व्यक्तित्व का चहुमुखी विकास भी होता है, और साथ ही साथ एक और उनमें बहुत बेहतरीन स्किल्स आती है जिसको कहते हैं आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस उनका बनता है, उनको अपने ऊपर बहुत विश्वास होने लगता है। इसका माइक ऑन है क्या मिस्टर अनुषा अंसारी, गोपाल सरन एंड वन मोर, जिनका माइक म्यूट नहीं है, कृपया माइक म्यूट कर लें, प्लीज म्यूट योर माइक, आवाज ही को न करें, ठीक है, चलते हैं बारे। दूसरा, पहला तो गामक प्रशिक्षण आपने देखा, दूसरा दैनिक जीवन के क्रियाकलाप। जब मैं डेली लिविंग स्किल्स की बात करता हूं, चाहे वीआई के संदर्भ में, चाहे एचआई के संदर्भ में, चाहे एमआर बच्चों के संदर्भ में, तो उनके पक्ष की बात करने से पहले मैं अपने पक्ष की बात जरूर रख देना चाहता हूं। मतलब दिव्यांग जनों में ही दैनिक क्रिया कौशल विकसित न किया जाए, पहले उसका व्यवस्थित स्वरूप अपने अंदर भी व्यवस्थित किया जाए। क्या है
क्या हम प्रॉपर पोस्चर में नींद लेते हैं, पर क्या हम प्रॉपर पोस्चर में सुबह जगते हैं, क्या हम प्रॉपर पोस्चर में सुबह के मॉर्निंग वॉक करते हैं, क्या हम पूरे दिन प्रॉपर पोस्चर में बैठते हैं। अगर हम अपने दैनिक जीवन की क्रियाओं को व्यवस्थित रूप में करते होंगे तभी हम दूसरे को सिखा पाएंगे, अन्यथा क्षण मात्र को सीखी गई चीज क्षण मात्र में ही विलुप्त हो जाती है। कहीं किताब से पढ़ के आप बच्चों को बताओगे ऐसे किया करो ऐसे किया करो और गुरुजी खुद ही वैसे नहीं करते तो बच्चे तो फॉलो करेंगे नहीं, क्योंकि प्राथमिक विद्यालय के बच्चे जो आपके सामने आने वाले हैं आप जैसा करोगे वैसे ही कॉपी पेस्ट करेंगे, उनको किताब में लिखी चीज से नहीं मतलब है, आप जैसा करोगे। आपने देखा होगा प्राथमिक स्कूलों में जब हम लोग पढ़ते थे सरकारी उसमें स्कूल में तो जग होता था, ग्लास स्कूल में रखी रहती है, आजकल क्या स्थिति है मुझे नहीं पता, जग रहती थी तांबे की या स्टील की जो भी, और ग्लास बराबर प्रॉपर वहां रखी रहती थी। जब किसी भी अध्यापक को पानी पीना होता था छुट्टी, मैंने देखा दोनों टाइम में सुबह 10 से 4 के बीच में, तो वे ग्लास में पहले जग से पानी डाल के फिर घूट घूट करके कुर्सी पे बैठ के आराम से 2 मिनट 2.5 मिनट 1 मिनट 1.5 मिनट में पानी पीते थे। छुट्टी के बाद मैंने अध्यापकों को देखा कि जग से ऊपर से भी पानी पीते हुए या जग का पानी लेके ऐसे चुरुआ बना करके पीते। मैंने एक बाबूराम मुंशी जी थे उनसे पूछा कि सर आप क्लास के बीच में इस तरीके से कभी नहीं करते, क्लास के बाद करते हैं, ऐसा क्यों? बोले माने महाराज बच्चे देखेंगे तो कॉपी करेंगे, ये हमारी सहजावस्था है, लेकिन बच्चों में ये गंदी आदत न चली जाए इसलिए हम उनमें अच्छी आदत डेवलप करने के लिए अपने को उतने समय 10 से 4 में डिसिप्लिनड रखते हैं और उनसे वैसा ही व्यवहार दिखाते हैं जैसा वो घर पे जाके करें, ऐसा भाव हमें उपस्थित करना होगा। अब आते हैं डेली लिविंग स्किल, इसके अंतर्गत शौच क्रिया प्रॉपर वे में, यहां कोई बाहरी पक्ष से बात नहीं, एकदम समाज और सामाजिक व्यक्तित्व व्यवस्था को देख करके बात की जा रही। शौच क्रिया सुबह के टाइम सो के उठने के बाद, सो के जगने के बाद कुछ जल ग्रहण करने के पश्चात तुरंत, ये नहीं 9 बजे 10 बजे 11 बजे 12 बजे जब मन होता, ऐसा नहीं, प्रॉपर बच्चे में आप ये डेवलप करें, स्किल्स बनाए उसमें आदत बनाए। दांत साफ करना, मंजन ब्रश अच्छे से करना उसको सिखाना, ब्रशिंग करना उसको अच्छे से सिखाना, स्नान करना, ये शब्द है स्नान करना, और एक होता है देह भिगोना, इन दोनों का एक अर्थ है, इन दोनों का एक अपना अपना अर्थ है, मैं दोनों का वर्णन कर देता हूं। देह भिगोना क्या है, जैसे अभी ठंड आ रही है, दिसंबर होगा जनवरी होगा, उसमें अनेकानेक बच्चे देह भिगोना कार्यक्रम चलाते हैं, बाल्टी में जल रखा है, मग रखी है, पहुंचे और धड़ाधड़ 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 मग का पानी शरीर पे डालते चले गए, पूरा शरीर पर पानी पहुंचा कि नहीं पहुंचा, कहां पहुंचा कहां नहीं पहुंचा, फटाक करते हुए तौलिया उठाया और प्रक्षालन की क्रिया शुरू कर दिया, पोछना शुरू कर दिया ना। कई कई लोग गर्मियों में भी ऐसे दिखाई देते हैं, पानी अपने ऊपर डाल लिया और सब चले गए। इसमें जितने भी बच्चे फिजिक्स बायो से परिचित होंगे उनको पता होगा हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के छिद्र होते हैं, इन छिद्रों से अपशिष्ट पदार्थ शरीर के बाहर आते हैं, अगर इन पर धूल मिट्टी के कण जिसे मैल कहते हैं वह जम गई तो फोड़िया फुंसी या इत्यादि और कुछ स्किन से रिलेटेड रोग होते हैं। मैं अगर इस बात को गलत नहीं कह रहा तो आपने देखा होगा प्रॉपर वे में स्नान क्रिया न करने वाले, चाहे हमारा बच्चा हो चाहे जनरल बच्चा हो, उसको इस तरीके की समस्याएं बहुत रहती है, स्किन रिलेटेड रोग उसको बहुत रहते हैं, कारण क्योंकि वह प्रॉपर वे में सफाई नहीं करता।
अब नहाने की क्रिया, देह भिगोने की तो हो गई, नहाने की क्रिया क्या है? प्रपर एक मग या एक लोटा या एक जग पानी जब शरीर भिगो, उसके बाद में प्रपर हर जगह पर आपका हाथ पहुंचे, मलमल बदन नहाए रोज। नैतिक शिक्षा में पढ़ा होगा आपने प्राथमिक विद्यालय में, मलमल बदन नहाए रोज और ताजा भोजन खाए रोज, समय से पढ़ने जाए रोज। मलमल बदन एकदम मल करके, ऐसा नहीं क्यों भैया साबुन लगाएं या न लगाएं, शैंपू लगाएं या न लगाएं, लेकिन अगर मल करके स्नान करेंगे तो दो चीजें हो जाती है, एक तो प्रॉपर मांसपेशियों की कसरत और दूसरा लगी हुई मैल का भी निस्तारण। ये बालकों में आपको विशेष शिक्षक होने के कारण डेवलप करना है, स्नान करना सिखाना, खाना खाना और जल पीने की प्रक्रिया को अच्छे ढंग से उनमें प्रॉपर वे में प्रस्तुत करना, बेटा जब पानी लगा, स्वयं की सजावट करना, श्रृंगार करना बढ़िया। देखा होगा आप लोगों ने, कई लोग सज धज के चलते हैं, क्रीम पाउडर बढ़िया चकाचक लगाकर, और कई लोग तो बस चले आए भैया ठीक है जैसे है, हेयर जो बनाए जो स्टाइल चली और जब सब ठीक है, तो थोड़ा प्रॉपर वे में बना करके उसको आना। कपड़े पहनना, कपड़े पहनने का मतलब कुछ भी पहन लेना नहीं, गंदा पहन लेना या एक ही कपड़े को 10 दिनों तक पहनते रहना ना, अस्वीकार करना। प्रॉपर क्लिच में हो, न क्लिच में हो तो साफ एकदम एक्यूरेट पोजीशन में हो, बढ़िया अच्छे से ढंग से करके और प्रॉपर ड्रेस कोडिंग करके इन उन करके बढ़िया तैयार रहना। इससे सकारात्मकता आती है, नई ऊर्जा आती है बच्चे में, आपके उस बालक में जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं। देखा होगा आपने जो प्राइवेट सेक्टर के स्कूल्स होते हैं, बच्चों को सजाते बहुत, श्रृंगार बहुत करते हैं, हेयर स्टाइल उनको बताते हैं, टाई बेल्ट जैकेट और इत्यादि बढ़िया ढंग से उनको सजा करके इस तरीके से रखते हैं कि फिर लगता है कि हाँ इस तरीके से वाह बच्चे बड़े खूबसूरत। दैनिक जीवन क्रियाकलापों में उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, उन्हें खुद भी इस तरीके से करने के लिए प्रेरित करना, आदत बना देना जिसको कहते हैं। बस एक मिनट, अब आगे के क्रम में जब बढ़ते हैं तो तीसरा पक्ष होता है भौतिक विकास के लिए उन्हें तैयार करना। भौतिक विकास के लिए उन्हें तैयार करना, इसके अंतर्गत लिखना पढ़ना तथा अंगणित पढ़ाने के कौशल को सम्मिलित किया जाता है। पहले बच्चों को लिखना सिखाते हैं और फिर पढ़ना सिखाया जाता है, जिससे बौद्धिक विकास होना संभव है। लिखने के लिए पहले पेंसिल पकड़ना, फिर ट्रेसिंग करना, बिंदु मिलाना, देख कर लिखना और अंत में स्मरण द्वारा लिखना, याद की हुई चीज को लिखना, विषय वस्तु को लिखना। इसके अभ्यास में एसोसिएशन, किसी क्रिया को दूसरी क्रिया से जोड़ना और रिकग्निशन, पहचान करना, पहले एसोसिएशन फिर रिकग्निशन, पहले किसी क्रिया को दूसरी क्रिया से जोड़ना और फिर उनका पहचान करना, रिकग्निशन करना और पुनः स्मरण जैसे तरीकों को सम्मिलित किया जाता है। पुनः स्मरण बार बार याद करके उन्हें इसके लिए तैयार करना और उन्हें आगे बढ़ाना। तीसरा, जब इस पक्ष पे चलते हैं इन बच्चों को पढ़ने के लिए तैयार करने के क्रम में, तो ये आता है घरेलू क्रियाकलाप। क्या? इसके अंतर्गत धूल साफ करना, कहीं गिर गए धूल लग गई और वैसे घूम रहे नहीं, क्लीन अप करना, जागृत करना उनमें बच्चों में आदत, साफ सफाई करना, झाड़ू लगाना, बर्तन साफ रखना, बिस्तर साफ रखना, बिस्तर को प्रॉपर वे में लगाना, बिस्तर को शयन के पश्चात प्रॉपर कोड में अच्छे से उठाना, कपड़े तह करना तथा सामान को व्यवस्थित रखना और व्यवस्थित रखने के लिए प्रेरित करना, मम्मी हमारी बाटल उठाया करो तो यहां ऐसे ही रखा, ऐसे नहीं कि जहां मन हो वहां फेंक दो,
स्कूल से आए तो जूते निकाले, एक दाहिने फेंका एक बाएं फेंका, ऐसा नहीं। आए हैं तो एक जगह व्यवस्थित हो, वहां पे जूता, वहां पे मोजे और ये सब उतार करके रखे। ये बच्चों में आपको तैयार करना है, यही तो उनकी मानसिक विकास की प्रक्रिया को व्यवस्थित कर रहा है, एक एक स्टेप बाय स्टेप। चौथे क्रम में जब चलते हैं सामाजिक कौशल, इसके अंतर्गत बच्चों में नमस्ते करना, हाथ मिलाना, आजकल तो COVID-19 है हाथ नहीं मिलाया जा रहा है, लेकिन अभी समय ठीक आ जाएगा तो वहां पर इसको आप बता सकते हैं, नमस्ते करना प्रॉपर वे में, जो भी हमसे बड़े हैं उनको नमस्ते करना, उनसे हाथ मिलाना, एक दूसरे से हालचाल पूछना तथा एक साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करना सिखाया जाता है। ऐसा नहीं टेढ़ होके अहम ब्रह्मास्मि हमारी ब्रह्मा है टेढ़ होके बैठे रहना, नहीं, उनको तैयार करना कि वे एक टीम वर्क में सबके साथ मिलके काम कर सके। आगे अब कई ऐसी स्थिति होती है कि स्कूल में सामाजिक कौशल भी सिखा दिया, DLS भी सिखा दिया या शिक्षण प्रशिक्षण भी सिखा दिया, लेकिन छुट्टी में क्या करेगा बच्चा? आप कहते हैं कि माँ बाप इसको सिखाते ही नहीं है, कुछ एक्टिविटी नहीं कराते, हम तो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है। मीन्स आप बच्चे को बिजी करने में कहीं ना कहीं कमजोर हो जा रहे हैं। अवकाश का जो समय है उसके लिए भी प्रॉपर वे में आपके पास अपना एक प्रोग्राम हो, जैसे इसके अंतर्गत आपको बच्चों को बताना चाहिए संगीत सुनना, पुस्तकें पढ़ना, गेम्स खेलना, टिकट या सिक्के इकट्ठा करके उनको योजित करना, चित्रकला के द्वारा अपना समय आगे बढ़ाना, आर्ट एंड क्राफ्ट के कार्य करना, प्रॉपर वे में और प्रॉपर टाइम में टेलीविजन देखना, कुछ घर पर सेवा कर्मों को देखने के लिए पालतू पशुओं की सेवा करना, देखरेख करना, बागवानी लगाना और उनकी देखरेख करना। अगर आप डेली 10 मिनट अपने स्कूल्स में छोटे छोटे जानवरों के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताएं तो बच्चा अपने घर पर एक किसी पालतू पशु को सेवा करने के लिए प्रेरित होगा। अगर आप स्कूल में प्रॉपर वे में क्यारियां, जैसे प्राइवेट स्कूलों में होता है, आपने देखा होगा मिशनरी स्कूलों में, वे 9B का ये ग्राउंड है या ये क्यारी है, 9A का ये क्यारी है, 12A का ये क्यारी है, उसमें तमाम फूल लगे हैं, सभी बच्चे जाते हैं उसे जल देते हैं, तो क्या है ये, वहां पुष्प की आवश्यकता नहीं है, अभी प्रेरित होते हैं और घर जाकर के अपने यहां प्रॉपर गार्डनिंग करते हैं, वहां पुष्प लगाते हैं, अच्छे अच्छे जीव जंतुओं की सेवा करते हैं, अपने बड़े बड़े दादा दादी जो भी उनके श्रेष्ठ जन है उनके साथ रह रहे उनके प्रति उन्हें आदर आता है मन में, उनकी भी सेवा करते हैं। आपका 10 मिनट उस बालक के अवकाश के समय को व्यवस्थित करने के लिए उसे एक योजना दे रहा है। आप डेली सोचे कि इन बच्चों से इन सब बातों पर चर्चा होनी ही चाहिए, अगर नहीं होगी तो कहीं न कहीं किसी न किसी पक्ष पर वह बालक लैक करेगा और अपने समय का सदुपयोग न करने के कारण आपने जो सिखाया है उसको स्केप करके वह कुछ दूसरा सीखने लगे, तो क्या उसमें प्रॉपर वे स्टार्ट करना है। अब अगले पक्ष को अगर हम देखें तो हमारे सामने जो स्थिति उठ के आती है गणितीय कौशल, उसमें कैसे विकसित करें, थोड़ा यह भी देखना, रंग आकार या विभिन्न प्रकार के आकार प्रकार के अनुसार घरेलू वस्तुएं, सब्जी फल इत्यादि, इनका छांटना, अलग अलग करना, इन्हें वर्गीकृत करना सिखाया जाता है, बताया जाना चाहिए। मम्मी पापा कहते हैं जाओ सेब उठा लाओ, चलो बेटू, आजकल चला है ना वो बड़ा ना, बेटा कमान 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 चले आओ, रूबी कमान, बिट्टू कमान, ये लाओ, एप्पल लाओ, सेब लाओ या कुछ भी और लाओ, ऐसे ना मांगिए, कलर बता करके मांगिए और खाते हुए उसके स्वाद के बारे में चर्चा करिए, कितना मीठा है, यह स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभप्रद होता है, इससे फला फायदा होते हैं, जैसे मान लिया हड्डियां मजबूत होती हैं, कैल्शियम मिलता है, ये होता है ये होता है, बच्चे से चर्चा करें,
आप उसको दीजिए, वह भोजन ग्रहण करे, लेकिन उससे मिलने वाले लाभों की भी चर्चा कीजिए। इससे मूल्य समझ आएगा, और जब मूल्य समझ आएगा तो वह गणित चलने लगेगी उसके मन में कि कितना खाया जाए और कितना किससे क्या लाभ होता है, शरीर कैसे बलिष्ठ होता है, कितना दूध पिया जाए तो हमारी हड्डियां मजबूत होंगी या हमारा शरीर कैसे चुस्त दुरुस्त होगा, इसका व्यवस्थितीकरण उसके अंदर सजने लगेगा, जिसे गणित कहते हैं। अब आगे चले, चम्मच, गेंद, सेब, केला, प्याज, मिर्ची इत्यादि बोल करके उन्हें बताए, वो लाओ नहीं, सेब उठा के ले आओ, चम्मच लेके आओ, ठीक। वो तिकोना जैसा क्या रखा है वो बताएगा, तिकोना उकोना ना कहिए, ये फला चीज है, नाम लेके बताएगा आपको। अब उसके अंदर नामकरण होने लगा, बच्चा सहज सीखने लगा। दो चम्मच लेके आओ, चार मिर्च लेके आओ, एक मुट्ठी में भरा लेके चले आ रहे, ये कितना मांगा था काउंट करो, एक दो तीन चार, ये चार हुई। दो चम्मच उठा के लाओ, एक लाया, दो बताया था ना, एक बार और लाओ, अब दो हुए। अब उसमें गिनती का उद्धरण हो रहा है, वह संख्या का बोध कर रहा है। अब गिनतियों को सिखाने के लिए आप कुछ और भी वस्तुओं से उन्हें परिचित करा सकते हैं, जैसे कुर्सी, मेज, किताब, कलम इत्यादि। इसके बाद अंक को वस्तु की मात्रा के साथ जोड़कर बताया जाता है। इसमें बच्चे को एक अंक या एक गेंद दिखाते हुए गिनती सिखाया जाता है। इसी प्रकार जोड़ घटाना, सिक्के एवं नोट पहचानना, समय, आयतन, भार, दूरी इत्यादि बच्चों में आप आसानी से विकसित कर सकते हैं, उनमें सिखा सकते हैं। ये सहजा अवस्था है। मैंने आपको क्लास फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में अपनाई जाने वाली शिक्षण विधियों की चर्चा की है। आप बच्चों में सहजावस्था में एक एक क्रिया प्रक्रिया को ढाल करके उनमें व्यवस्थित स्वरूप का चिंतन कर सकते हैं, और बच्चों के अंदर एक विशेष प्रकार की योग्यता का विस्तार कर सकते हैं, जिससे वे एक कुशल शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए तथा अपना सर्वांगीण विकास करने के लिए फंडामेंटल तौर पर तैयार हो सकते। ये था इस विषय पर आज के पक्ष की चर्चा हमारी तरफ से। अगर आपका कोई प्रश्न है आज के विषय से संबंधित तो स्वागत है, आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद नागेश जी। उम्मीद है सभी जो ट्रेनीज हैं या जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनको ठीक ठाक मार्गदर्शन आपके द्वारा हुआ होगा, और उम्मीद करूंगा कि वो इससे अपने आने वाले जीवन में जो दिव्यांगजन होंगे या सामान्य बच्चे होंगे प्राइमरी के स्कूल में, उनको लाभान्वित करने का भी प्रयास करेंगे। यदि किसी भी छात्र छात्रा को कुछ सवाल पूछना है तो वो अपना सवाल पूछ सकते हैं। कोई भी डेड एमआर, एचआईवीआई, कोई भी स्टूडेंट जो पूछना चाहे, नागेश जी प्रतीक्षारत हैं। देखिए, जो पूछ रहा है, जैसे अभी नागेश जी ने कहा कि आत्मविश्वास वही सब कुछ है, जो पूछ रहा है आप सर्वदा ज्ञाता हैं, आप पूछिए, कॉन्फिडेंस में पूछिए, आप सही होंगे। सामने वाले को छोड़िए कि सामने वाले सही नहीं है, मैं जो पूछ रहा हूं और कह रहा हूं वो उचित है। तो रमेश कुमार जो हैं या जो भी और बच्चे पूछना चाहें तो पूछिए भाई, ताकि कुछ और ज्ञान प्राप्त हो। चलिए कोई बात नहीं, कुछ बच्चों के अपने अपने फीडबैक या अपने अपने भाव रहते हैं, कुछ सीखे होंगे या कुछ और भी सीखने के लिए प्रेरित होंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोग समझते रहिए उस बात को और उसको अपने शिक्षण प्रशिक्षण में उतारने के लिए अपने को तैयार भी करते रहिए। तो आज की क्लास के लिए आप सभी प्यारे बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद, सादर धन्यवाद, धन्यवाद, सादर धन्यवाद। आज के दौर में भारत सरकार द्वारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जारी कर दी गई है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी
अब एजुकेशन के क्षेत्र में एक क्रांति